वेलकम टू मोना स्मार्ट किचन। आज हम देखेंगे बेसिक स्पंज केक कैसे बनाएंगे। हम दो टाइप के बेस बना सकते हैं, एक चॉकलेट बेस और वाइट बेस। मैं इसे वाइट बेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बनाने के लिए मैंने एसेंस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। केक बेक करने के भी तीन ऑप्शन हैं, पहला है माइक्रोवेव, दूसरा है OTG और तीसरा है कुकर। पर सबसे बेस्ट केक कुकर में ही आता है। माइक्रोवेव में केक अच्छा नहीं आता है क्योंकि वो सभी साइड से बेक होता है, इसलिए कभी भी माइक्रोवेव में केक नहीं बनाना। OTG में हमारे पास ऑप्शन रहते हैं अप कॉइल, डाउन कॉइल, अप डाउन कॉइल, तो उसमें भी केक अच्छा आता है। कुकर में केक नीचे से ही पकेगा क्योंकि गैस नीचे ही है, तो बेस केक कुकर एंड OTG में ही आता है। आप देख सकते हो कि मेरा व्हाइट स्पंज कितना अच्छा आया है और कितना सॉफ्ट भी आया है। तो देखते हैं ये केक हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैदा और अगेन 1/4 कप मैदा मैंने फिर से लिया है क्योंकि मैं ये व्हाइट स्पंज बनाने वाली हूँ। यदि आप चॉकलेट स्पंज बनाने वाले हो तो ये मैदे की जगह आप कोको पाउडर का यूज़ कर सकते हो। अभी हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। कभी भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा आप यूज़ कर रहे हो तो डब्बे का ही यूज़ करें क्योंकि इसके ऊपर प्रॉपर एक्सपायरी डेट रहता है। अब अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। हर एक के कप के मेज़रमेंट्स अलग अलग रहते हैं। मेरा कप 250 ग्राम्स का है पर मैंने यहाँ 220 ग्राम्स मैदा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पाउडर शुगर, ये घर का पाउडर शुगर है। ये सब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, इसे हम लोग छन्नी से छान लेंगे, मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अभी हम एक दूसरा बाउल लेंगे और उसमें वेट इंग्रेडिएंट्स ले लेंगे। अब हम सबसे पहले लेंगे कंडेंस मिल्क, या इसे मिल्क मेड भी कहते हैं। आप अमूल का ले लो, नेस्ले का ले लो, कौन से भी कंपनी का इसे यूज़ कर सकते हो। हमें इसे 200 ग्राम से लेना है। ये टोटल 400 ml का डिब्बा आता है, उसका हाफ हम इसमें ले लेंगे। मैंने वीडियो के एंड में सारे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आउट करके दिए हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हो कौन सा इंग्रेडिएंट का प्रोपोर्शन कितना लिया है। ये 200 ग्राम कंडेंस मिल्क में हम लोग अभी बटर डालेंगे। मैंने यहाँ 100 ग्राम बटर लिया है जो कि मेरा रूम टेम्परेचर पे है, जिसका मैं 1/2 कंडेंस मिल्क में डाल दूंगी। यानी हमने यहाँ टोटल 50 ग्राम्स ऑफ बटर का ही यूज़ किया है। अभी ये दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आपके स्पंज में आपको कलर ऐड करना है तो आप इस स्टेज पे उसमें कलर ऐड कर सकते हो। आप इसमें लिक्विड कलर या जेल कलर का भी यूज़ कर सकते हो, कौन सा भी कलर डालोगे तो चलेगा। मेरा बटर रूम टेम्परेचर पे था इसलिए ये इजीली मिक्स हो गया। मुझे इस मिक्सचर को बड़ा स्मूथ बनाना है और लम्प फ्री बनाना है। अभी हम लोग ड्रिंकिंग सोडा लेंगे, पीने का सोडा लेंगे। हमें पीने का ही सोडा लेना है, दूसरा कौन सा भी कोको कोला या कुछ भी नहीं लेना है। उसे हम टोटल 1 कप लेने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस सोडे को वेट इंग्रेडिएंट्स में डाल दिया और उसके बाद 1/2 मिक्सचर ड्राई इंग्रेडिएंट्स का उसमें हम लोग मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ कॉटन फूल कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा मिक्स करना है। उसके बाद फिर से हम बचा हुआ सोडा इसमें डाल देंगे और बचे हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल देंगे। सोडा डालते समय आपको धीरे धीरे डालना है, उसे बैचेस में ऐड करना है, नहीं तो बैटर का कंसिस्टेंसी पतला हो जाएगा। ये मिक्स करते टाइम हमें बड़े हल्के हाथ से मिक्स करना है, कुछ कट एंड फोल्ड वगैरह कुछ नहीं करना है। मैदा बड़ा डेलिकेट प्रोडक्ट रहता है, यदि आप उसे बीटर से बीट करते हो तो आपको केक होने के बाद वो पका हुआ तो दिखेगा पर अंदर से केक चिपचिपा रहेगा। तो बैटर बनाते टाइम हम कभी भी बीटर का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा स्पैचुला से ही मिक्स करेंगे। यदि आप केक को सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो आप इसमें केक जेल का यूज़ भी कर सकते हो। केक जेल इजीली मार्केट में अवेलेबल है।
उसे आप इसमें 1/4 टेबलस्पून ही डालोगे। आप उसका यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैंने भी इस केक में केक जेल का यूज़ नहीं किया है। केक जेल एक का रिप्लेसमेंट रहता है। यह स्पंज बनाने में मैंने कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है तो ये खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है, जैसे हम लोग मावा केक खा रहे हो। इसको हमें हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करना है और इसका लम्प फ्री मिक्सचर हमें बनाना है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सोडा डाल के इसका कंसिस्टेंसी मैच कर लूँगी। मेरा स्पंज बैटर अभी रेडी है, अब हम इसमें केक टिन में डाल देंगे। मैंने जो आपको ये मेज़रमेंट दिए हैं वो 1/2 kg केक के लिए दिए हैं। आफ्टर क्रीमिंग ये अराउंड 1 kg हो जाएगा। मैंने ये केक बेक करने के लिए 6x4 का टिन लिया है। ये टिन को ना मैंने ग्रीसिंग किया है ना कुछ भी किया है, इसमें खाली मैंने एक बटर पेपर रख दिया है। यदि आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें वाइट A4 साइज जेरोक्स पेपर का यूज़ भी कर सकते हो, पर उस केस में आपको पेपर को नीचे से ऑयल से ग्रीसिंग करना पड़ेगा। मैंने यहाँ बटर पेपर का यूज़ किया है इसलिए मैंने नीचे से ग्रीसिंग नहीं किया है। मैं ये सारे मिक्सचर को टिन में निकाल लूँगी। इस टिन को हमें टैप बैप नहीं करना है, खाली इस मिक्सचर को हम स्पैचुला से फैला देंगे। तो हम ये केक कुकर में बेक करने वाले हैं, तो देखते हैं हम इसे कैसे बेक करेंगे। मैंने यहाँ एक कुकर ले लिया है, उसमें हम लोग एक रिंग रख देंगे। आपके पास जो भी रिंग है आप वो डाल सकते हो और उसके ऊपर हम लोग हमारा केक का टिन रख देंगे। अब हम कुकर का सिटी निकाल लेंगे और उसका रिंग भी निकाल लेंगे और कुकर को क्लोज कर देंगे। मैंने ये कुकर गैस पे 5 मिनट के लिए पहले प्रीहीट कर लिया था। अब हम इसे गैस पे एग्जैक्टली 35 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। 35 मिनट्स बाद आप देख सकते हो कि मेरा केक कितना अच्छा बना है। अभी हर एक के गैस का फ्लेम अलग अलग रहता है। यदि 35 मिनट्स बाद आप कुकर का ढक्कन ओपन करके देखोगे और केक का ऊपर का हिस्सा आपको व्हाइटिश लग रहा है तो गैस की फ्लेम आप लोग बंद कर दीजिए और कुकर का लिड भी 5 मिनट के लिए उसके ऊपर ढक दीजिए ताकि अंदर के टेम्परेचर से ऊपर का हिस्सा ब्राउन हो जाए। और यदि आपको लग रहा है कि केक अच्छे से ऊपर से ब्राउन है तो आप उसे डीमोल्ड कर सकते हो। और कुछ कुछ लोग नए होते हैं वो सोचते हैं चलो 15 मिनट हो गए अभी देखते हैं केक कितना पका है। वैसे करने से आपका जितना केक राइज हुआ है उतना केक सिंक हो जाएगा, इसलिए एग्जैक्टली 35 मिनट्स के बाद ही आपको कुकर का ढक्कन खोलना है और चेक करना है कि केक अच्छे से हुआ है कि नहीं। पेशेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। यदि आप माइक्रोवेव में केक बेक कर रहे हो तो आपको कन्वेक्शन मोड में बेक करना है, वो 180 डिग्री पे 30-35 मिनट्स के लिए आपको बेक करना पड़ेगा। एंड अभी ओटीजी में आपको केक का टिन रखना है बीच में के रैक में और डाउन कॉइल पे। ये आपको 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। यदि आप फर्स्ट टाइम केक बेक कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप केक को कुकर में ही बेक करें, क्योंकि सबसे बेस्ट केक कुकर और ओटीजी में ही बेक होता है। 35 मिनट्स बाद जब भी आप केक कुकर में से निकालते हो तभी आपको उसे डीमोल्ड करके रखना है। यदि आप उसे ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करोगे तो केक के बेस की जगह पे मॉइस्चर जमा हो जाता है और केक डीमोल्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसे हमें गर्मा गर्म ही डीमोल्ड करना है। यदि आप इसे आइसिंग के लिए यूज़ करने वाले हो तो आपको केक ठंडा होने के बाद ही यूज़ करना पड़ेगा, तो उस केस में आप केक को ऊपर से ढक के रखोगे ताकि उसके अंदर मॉइस्चर जमा रहेगा और केक सॉफ्ट रहेगा। आप देख सकते हो कि मेरा स्पंज कितना सॉफ्ट बना है। मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सेम टू सेम मेजरमेंट्स लेने हैं तो ही आपका केक अच्छा बनेगा। आप ये केक बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये केक कैसा लगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोना स्मार्ट किचन एंड हिट द बेल आइकॉन।